सफेद होना, बालों का गंजापन, बालों का टूटना झड़ना, ये जो सारी जो चीजें होती है ना दोस्तों, ये बस इस फूल को आप देख लीजिए अच्छी तरह से स्क्रीन पे। मैं आज आप लोगों को इस रेमेडी से बताने वाली हूँ यूज करके कि 100% जो आपके बाल हैं वो काले होंगे, लंबे होंगे और घने होना भी शुरू हो जाएंगे। जो साइन ऑफ एजिंग हमारे स्कैल्प में दिखती है उसे ये रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। सो सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही है, बट आप इस रेमेडी को एंजॉय करें और देखें कि किस तरह से आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं स्कैल्प की। और इसका नाम अगर आपको अभी पता चल गया है तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला काम करना है, आपको लेना है यहाँ पे ब्राह्मी पाउडर, जो आप सभी जानते हैं हमारे मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी कितना फायदेमंद होता है, जिससे कि हमारे जो डिसऑर्डर होते हैं ब्रेन से लेके कोई भी चीजों की प्रॉब्लम होती है, ब्राह्मी उसे इंटरनली और आउटर पर्पस पे ठीक करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे आप ब्राह्मी देख सकते हैं, इसका कुछ टेक्सचर इस तरह से है दोस्तों। आप अपने बालों पे, स्कैल्प में, जड़ों पे इसका मसाज करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, नींद बहुत अच्छी आने वाली है। आपको बहुत सारे अगर दिक्कत हो रही है, जैसे कि सर्दियों के मौसम में बाल सफेद हो रहे हैं, झड़ रहे हैं अनाकारण ही, असमय ही, तो ये रेमेडी आप जरूर यूज करिएगा, ठीक है। ब्राह्मी पाउडर मैंने यहाँ पे ले लिया है तकरीबन, ये देखिए मेरा स्पून जो है वो छोटा स्पून है, आप देख सकते हो, इसी स्पून से लेना है आपको, मतलब आधे चम्मच, बड़े स्पून से आपको आधे चम्मच के तकरीबन ये ब्राह्मी का पाउडर ले लेना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे आंवला पाउडर, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होती है दोस्तों। तो सेम क्वांटिटी आपको रखना है, बिल्कुल इसी चम्मच से लेना है आपको, तो आधे चम्मच के तकरीबन ये देखिए आंवला का पाउडर आपको लेना है। दोनों को अच्छी तरह से सबसे पहले आप मिक्स कर लीजिए। इसकी क्वांटिटी आप डबल भी कर सकते हैं अगर आपके बाल लंबे हैं, अगर आपके बाल छोटे हैं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसे मेन एंड वीमेन दोनों भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सेफ है और नेचुरल है। सेफ और जो नेचुरल चीजें होती है हमारे बालों के लिए कोई हार्म नहीं पहुंचाते, और जो ड्राइनेस की प्रॉब्लम है ये भी आपकी सॉल्व होने वाली है। अब हम यहाँ पे भृंगराज का पाउडर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने सारी जड़ी बूटियों को किस तरह से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जब भी मुझे यूज करना होता है तो मैं इन सारी चीजों को यूज करती हूँ। देखिए दोस्तों, भृंगराज कितने अच्छे होते हैं हमारे बालों को काला, लंबा और घना बनाने के लिए। जहां पे भी ब्लैडनेस की प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करती है। इस तरह से इन सारे पाउडर्स को आपको लेना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो कच्ची हल्दी की जो गांठें हमें मिल रही है ना आजकल मार्केट में, वैसे सर्दियों के मौसम में कच्ची हल्दी, अदरक, आंवला बहुत आसानी से मिल जाती है दोस्तों। इसका बहुत सारे लोग यूज करके अपने बालों को लंबा, काला, घना बना रहे हैं। साथ ही साथ जो ब्लैडनेस की प्रॉब्लम है, जहां जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे बाल गायब हो रहे हैं, वहां पे अगर आपने इस रेमेडी को यूज किया दोस्तों, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए ये जो कच्ची हल्दी है ना, इसको आपको लेना है इस तरह से। मैं बता देती हूँ आप लोगों को कैसे आप इसका यूज करोगे। तो ये देखिए कच्ची हल्दी इस तरह से, मैंने पहले भी एक वीडियो में यूज किया था, तो देखिए इस तरह से कच्ची हल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले ना हम इसका क्रश करके पाउडर या फिर पाउडर फॉर्म में मिल जाए तब भी आप यूज कर लीजिए, या फिर आपको फ्रेश वाली मिल जाए तो आप फ्रेश वाली लेकर आए, ठीक है। तो देखिए चलिए अब इसे ना एक पीलर की हेल्प से, क्रशर की हेल्प से आपको इस तरह से क्रश कर लेना है, ठीक है। एक चम्मच के तकरीबन तो आपको यहाँ पे ये कच्ची हल्दी की जो गांठ होती है ना उसे ले लेना है। ये देखिए मेरा हाथ भी आप देख सकते हो कितना अच्छा है, ये तो गोल्डन कलर देती है। वैसे देखिए सर्दियों के मौसम में आपको ये पीना जरूरी है, जो दूध होता है ना दोस्तों वो भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए ये सारी जो चीजें हैं हमने यहाँ पे मिक्स कर लेनी है। अब इसका प्रोसीजर करना बाकी है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ये जो फूल बताए थे ना, इसे चक्री फूल कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है दोस्तों। हमारे आयुर्वेदिक और इंडियन स्पाइसेस में ये सबसे ज्यादा बिकने वाले हैं दोस्तों। थोड़ा महंगे मिलते हैं लेकिन इसे जरूर लेकर आए दोस्तों। और इसका जो फूल है ना, देखिए अगर आपको ना झाइयों की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके फेस पे झुर्रियां पड़ने लग गई हैं, रिंकल्स, फाइन लाइंस के लिए, तो ये बहुत रामबाण है। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कैसे यूज करना है।
बट ये जो चक्री फूल है आप इसे लेकर आए, बालों को आप कैसे काला कर सकते हैं दोस्तों ये मैं बताने वाली हूँ। तो इसका जो है ना मैंने पाउडर बना करके पहले से रख लिया है, अभी मैं इसका जो मैंने पाउडर बनाया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से ये जो है ना ये चक्री फूल का पाउडर आपको मिल जाएगा, ये देखिए आप स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से। बस आपको ये चक्री फूल का पाउडर लेना है और इसी के अंदर आधे चम्मच के तकरीबन आपको लेकर के मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए आपको पाउडर बना करके रख लेना है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। चलिए मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देती हूँ कैसे आप इसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो हमने ये यूज कर लिया है, तो दोस्तों ये देखिए अभी आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक छोटा सा कढ़ाई ले लीजिए, पैन ले लीजिए और इसमें ना एक कप पानी आप इसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है। इसे अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है और यहाँ पे कढ़ाई में आपको डाल देना है सारी इंग्रेडिएंट्स को, आपको कोई वेस्ट ना हो। इसे अच्छी तरह से ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है दोस्तों, इस तरह से ये देखिए। और इसे हम बॉइल करेंगे, तो चलिए इसे हम गैस के फ्लेम पे रखते हैं, इसे बॉईल करेंगे। जब तक बॉईल करना है तब तक ये आपका कलर आधा ना हो जाए, ठीक है। ये देखिए किस तरह से ये बॉईल हो रहा है दोस्तों, इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है और साथ ही साथ यहाँ पे एक चम्मच के तकरीबन आपको डाल देना है इस तरह से चाय की पत्ती, या फिर आप टी बैग भी ले सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे चाय की पत्ती को डाल दिया है जो हमारे बालों को सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनाएगी। ये प्रोसीजर बहुत ही आपको रिलीफ देगा, आपके सफेद बालों से छुटकारा दिलाएगा। सारी चीजों को अच्छे से आपको मिक्स करना है, ये देखिए इस तरह से। जो हल्दी होते हैं ना दोस्तों ये हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं, स्कैल्प से हेल्दी बनाते हैं और ये हमारे बालों को जल्दी से सफेद नहीं होने देते हैं, काला बनाए रखते हैं। तो इस तरह से इस रेमेडी को आप जरूर प्रिपेयर करें दोस्तों। हमने इसे धीरे धीरे से बॉईल कर लिया है, जो चाय की पत्ती और हल्दी का जो कलर है वो एक साथ आ चुका है। इस तरह से आपको इसे छान करके ले लेना है, ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। इससे बहुत अच्छी तरीके से आपके बालों को काला बनाएगी, जड़ से काला बनाएगी। और जितनी भी रेमेडीज देखिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे, इस तरह से ये बच जाए तो इसे फेंकिए नहीं, इसे आप फिर से रीयूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से ये आपकी जो रेमेडी आपको मिलेगी बिल्कुल इसी तरह से मिलेगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर आप अपने बालों पे इसे लगाएंगे, जड़ों पे लगाएंगे और अपने बालों को आप काला बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे। साथ ही साथ आपके जो बालों पे जितनी प्रॉब्लम है, चाहे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, चाहे तो फिर आपको खुजली आती है। हाँ, आपको मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगी, आप इस मिक्सचर को रेडी कर लेते हो ना तो इसके अंदर आप चाहें तो इंडिगो पाउडर या फिर मेहंदी का यूज कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं इस तरह से, और अपने बालों पे इसे लगा सकते हैं। अगर आपने इंडिगो इसमें मिक्स किया ना दोस्तों तो ये आपको 100% आपके बाल एकदम से 3 से 4 दिनों में काला कर देगा। और अगर आप मेहंदी लगाते हैं और इंडिगो दोनों मिक्स करते हो तो बहुत ही अच्छी तरह से ये पक्का कलर आएगा जो कि सालों साल चलेगा। इस तरह से इस रेमेडी को जरूर प्रिपेयर करें। आज की रेमेडी और DIY होम रेमेडी कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसे अगर आपने इसी तरह से लगाया तो आप खुद देखोगे कि आपके जो सफेद बालों की प्रॉब्लम है, चाहे तो ब्लैंडनेस है, जहां जहां पे भी आपको लगे वो जरूर अप्लाई करें। आपके बाल जहां पे झड़ गए हैं वहां पे नए बाल उगाने का ये बहुत ही अच्छे से काम करेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।